हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के एम स्मार्ट आल। सो टुडे हियर आई वांट टू डिस्कस अबाउट मे टू अगस्त पीडीएफ क्यू कार्ड एंड टुडेज आवर टॉपिक इज डिस्क्राइब अ कंपनी वेयर यू लिव दैट इम्प्लॉयज अ लॉट ऑफ पीपल। मींस कोई कंपनी बतानी है जहाँ पे भी आप रहते हो जो इम्प्लॉय कर रही है बहुत सारे लोगों को। ओके, सो व्हाट्स द क्यूज फॉर दैट, व्हाट इट डज, वो क्या करती है, हाउ मैनी पीपल इट इम्प्लॉयज, कितने लोगों को वो इम्प्लॉयमेंट दे रही है, वट काइंड ऑफ पीपल वर्क देयर, किस टाइप के लोग वहाँ पे काम करते हैं, हाउ यू फील अबाउट इट और कैसा आप उसके लिए फील करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट स्टार्ट विद एन सैम्पल आंसर। वेल, देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू वर्क इन माई होम टाउन, लाइक पीपल कैन सेटअप देयर ओन बिजनेस, इट कैन बी एट लार्ज और स्मॉल स्केल एंड कैन गेट एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन एंड स्किल दे पोजेस। कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे होम टाउन में और लोग अपना मतलब खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे, और एम्प्लॉयमेंट गेट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में अपने क्वालिफिकेशन के बेस पे और अपने स्किल के बेस पे जो उनके अंदर है। देयर आर न्यूमरस फैक्ट्रीज विच एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, फ्रॉम विच सम आर होंडाई मोटर्स, महिंद्रा, भारत पेट्रोलियम, बट हेयर आई would like to talk about an industry which is currently at the top and people are really interested to work in it। और बहुत सारी मतलब फैक्ट्रीज हैं जो इम्प्लॉय कर रही है लोगों को, जैसे कि होंडाई मोटर्स है, महिंद्रा, भारत पेट्रोलियम्स है, लेकिन यहाँ पे मैं एक इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ जो करंटली टॉप में है और बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं। इट इज़ लिबर्टी स्पिनिंग मिल्स, ये लिबर्टी स्पिनिंग मिल्स है एंड इज़ इन माई होम टाउन और मेरे होम टाउन में है। इट इज़ रिकोगनाइज्ड एज द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव रेंज ऑफ होम फर्निशिंग, मिंक ब्लैंकेट, यार्न, बेडशीट्स एंड कारपेट। कि ये रिकोगनाइज की जा रही है अपने मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर की वजह से, जो रेंज ऑफ होम फर्निशिंग प्रोवाइड करवा रही है, मिंक ब्लैंकेट, यार्न, बेडशीट्स और कारपेट प्रोवाइड करवा रही है। मोर ओवर द इंडस्ट्री प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ डिज़ाइन सच एज फैब्रिक्स, कलर्स एंड पैटर्न्स इन ऑर्डर टू सूट डाइवर्स क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। और ये इंडस्ट्री अलग अलग डिज़ाइंस प्रोवाइड करवा रही है, फैब्रिक्स अलग, कलर्स और पैटर्न्स प्रोवाइड करवा रही है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। All the designs of things are eye-catching and in unique patterns. सारे जो designs हैं वो eye-catching है और unique patterns में है। This industry employs thousands of people. There are various reasons that why people are struggling to get a job in this company. कि इसके पीछे बहुत सारे reasons हैं कि लोग यहाँ पे काम करना क्यों चाहते हैं। First and foremost is the salary package which includes a plethora of other benefits and the work culture is outstandingly safe. कि first और foremost वो salary package का है जो different benefits provide करवाते हैं, और जो work culture है वो outstandingly safe है। I am really honored that this industry is near my town as it plays an important role to empower the city. और मैं मतलब really honored हूँ इस इंडस्ट्री के लिए कि ये मेरे होम टाउन में है, क्योंकि ये important role प्ले करती है सिटी की एम्पावर में। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फॉलोअप क्वेश्चन ऑफ दिस क्यू कार्ड एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इट इज़ ईजी टू फाइंड अ जॉब इन इंडिया, क्या इंडिया में जॉब पाना ईजी है। यस, इफ़ यू आर टैलेंटेड एंड विलिंग टू वर्क, इट इज़ नॉट अ टफ वर्क टू फाइंड अ जॉब इन इंडिया। कि अगर आप टैलेंटेड हो और काम करने के लिए विलिंग हो तो ये टफ वर्क नहीं है कि जॉब पाना इंडिया में। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन, ये आपकी लोकेशन पे भी डिपेंड करते हैं। आई मीन इन बिग सिटीज़ देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ टिल द कैंडिडेट्स हैज़ टू बियर विद हायर रेंट्स। कि जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जॉब की, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनको हायर रेंट्स फेस करना पड़ता है वहाँ पे। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज जनरली हाई इन बिग सिटीज़, की जो कॉस्ट है लिविंग की वो बहुत ही ज़्यादा है बिग सिटीज़ के अंदर देन दी स्मॉल सिटीज़ की बजाय।
On the other hand, there are fewer opportunities and the cost of living is comprehensively low. लेकिन जो small cities है, small cities के अंदर कम opportunities हैं job की, लेकिन जो living cost है वो बहुत ही कम है. Okay students, our next question is, what should the government do if there is unemployment? कि government को क्या करना चाहिए अगर कहीं भी unemployment है तो. Okay, our answer is, well, government plays a huge role in improving the country's employment. कि जो government है वो important role play करती है country's employment को improve करने में. If there is unemployment, the government can take many steps. अगर मतलब unemployment है तो government कुछ step ले सकती है. Moreover, government should encourage youth to start their own business so that they can employ many people in their local town or city step by step. Putting these efforts, youth feel confident about opening starts up or starting a factory that will ultimately push the economy of the country. कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को यूथ को एनकरेज करना चाहिए अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ताकि वो इम्प्लॉय कर सके दूसरे लोगों को अपने लोकल टाउन में ही और सिटी में भी. और जो ये एफर्ट्स रहेंगे यूथ के, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंट फील करेंगे उनकी ओपनिंग स्टार्टअप के लिए और एक फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, जो अल्टीमेटली पुश करेगी इकनॉमी, कंट्री की इकनॉमी को पुश करेगी. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ हाई सैलरी इम्पोर्टेंट? क्या जो हाई सैलरी है वो इम्पोर्टेंट है? यस. सो आवर आंसर इज़ यस, आई थिंक हाई सैलरी इज़ इम्पोर्टेंट. कि जो हाई सैलरी है वो इम्पोर्टेंट है, बट देयर इज़ अदर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट दिस क्वेश्चन इज जॉब सेटिस्फैक्शन. लेकिन यहाँ दूसरे पर्सपेक्टिव भी हैं, जैसे कि जॉब सेटिस्फैक्शन का है. आई थिंक जॉब सेटिस्फैक्शन आउटवेट्स द एडवांटेजेस ऑफ हाई सैलरी, बिकॉज इफ वंस फॉलोइंग हिज पैशन एंड ही इज़ गेटिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, देन द हाई सैलरी विल अल्टीमेटली फॉलो. कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो आउटवेट है एडवांटेज ऑफ हाई सैलरी के, क्योंकि अगर कोई मतलब पैशन से कोई भी काम कर रहा है तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और जॉब सेटिस्फैक्शन होएगा देन हाई सैलरी विल अल्टीमेटली फॉलो, सैलरी अपने आप ही इंक्रीज होएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर मैनी बिग कंपनीज इन योर कंट्री? क्या आपकी कंट्री में बिग कंपनीज हैं? आर आंसर इज़ यस, इन वेरियस सेक्टर्स देर आर मैनी ह्यूज कंपनीज इन माई कंट्री. कि वेरियस सेक्टर्स में यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं मेरी कंट्री के अंदर. इफ़ वी टॉक अबाउट आईटी सेक्टर, देर आर मैनी ह्यूज इंटरनेशनल कंपनीज बेस्ड आउट ऑफ बेंगलोर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. कि अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की, कि यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो बेस्ड आउट है बेंगलोर पे, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं. देर आर सर्टेन मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स इन अ प्रोविंस कॉल्ड झारखंड. और यहाँ पे बहुत सारी मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो प्रोविंस कर रही हैं, जैसे उसको हम झारखंड बोल सकते हैं. एंड ऑल्सो इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी सेम है मैनुफैक्चरिंग का. सो आई थिंक देर आर मैनी ह्यूज कंपनीज इन माई कंट्री. और मैं यही सोचती हूँ कि मेरी कंट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ अ क्यू कार्ड एंड रिलेटेड टू फॉलोअप क्वेश्चन ऑफ दिस क्यू कार्ड. एंड स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन क्यू कार्ड, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. एंड स्टूडेंट, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर अपडेट अबाउट माई नेक्स्ट वीडियो, देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल मोर एंड मोर. एंड नाउ थिंग्स फॉर वॉचिंग.